अब हम लोग डालेंगे क्या मॉडर्न कॉन्सेप्ट रोल ऑफ आईटीसीजे, रोल ऑफ आईटीसीजे। तो देखिए तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट किस पर डिपेंड करता है, रोल ऑफ आईटीसीजे। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे। देखिए आपका यहां पे क्या है, इक्वेटर, क्या है इक्वेटर, ठीक है। तो सन इक्वेटर पे किस टाइम पे रहता है, मार्च जून सितंबर और दिसंबर, कब रहता है, मार्च में और सितंबर में। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉनसून, तो हम लोग मानते हैं कि मार्च में सन कहां है, यहां पे। तो आईटीसीजे कहां होगा, यहां होगा ना। तो मार्च के महीने में आपका आईटीसीजे कहां होता है, कहां होता है, यहां, ठीक, आई बात समझ। उसके बाद अप्रैल मंथ में अब सन क्या करेगा, धीरे धीरे कहां आएगा, अप्रैल में जून में, अप्रैल में कहां आएगा, ऊपर आएगा कि नहीं। तो जब सन ऊपर आएगा तो वर्टिकल रेज उसका मतलब इस रीजन में पड़ेंगी, यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहां बनेगा। तो आईटीसीजे कहां आएगा, धीरे धीरे वो भी शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ। जब आईटीसीजे ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो मान लेते हैं अप्रैल में वो आया यहां पर, ठीक है, या थोड़ा और इसको शिफ्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ। तो अप्रैल मंथ में कहां गया, यहां, ठीक। मई में कहां आ जाएगा और जून में क्या होगा, पूरी तरीके से कहां आ जाएगा, नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक। तो मार्च में कहां था, अप्रैल में, मई में और जून, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, आईटीसीजे ग्रेजुअली कहां आ रहा है, नॉर्थवर्ड आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। तो अगर यहां पर आ गया आईटीसीजे, इसका मतलब टेम्परेचर यहीं पे कहीं ज्यादा होगा कि नहीं। तो लो प्रेशर ट्रफ कहां बनेगा, यहीं पर बनेगा, यहां पर, ठीक है, लो प्रेशर ट्रफ, लो प्रेशर ट्रफ बनेगा, ठीक, आई बात समझ, यहां पर बनेगा। इसको बनाइए फिर भी पहले। अब यहां पे हमने क्यों कर्व किया है, क्योंकि यहां पे भी क्या है, लैंड और सी का क्या है, डिफरेंस होगा कि नहीं। तो लैंड में जैसे जैसे आपका एक सन ऊपर जाता है वैसे वैसे यहां पर रिएक्शन ज्यादा होगा कि नहीं। तो ये आईटीसीजे कहां जाएगा, यहां पर ज्यादा ऊपर जाएगा और यहां पे नीचे रहेगा, ठीक है। देखिए तो जून के महीने में कहां गया आईटीसीजे, इन द मंथ ऑफ जून कहां गया, यहां पर आ गया, ठीक। अब देखिए यहां पे इक्वेटर कहां है आपका, ये है क्या इक्वेटर, ठीक है, सामने देखिए, सामने देखिए, ये तो फिर पूछने आना पड़ेगा स्टाफ रूम में। तो ये क्या है, इक्वेटर है और ये क्या है आपका, भारत है, ठीक। तो इस समय आईटीसीजे कहां है, यहां पर है, ठीक। अब देखिए यहां से यानी कि लो प्रेशर कहां है, यहां पर, लो प्रेशर यहां पर, और जून के महीने में अगर यहां पे समर है तो यहां क्या होगा, विंटर होगा कि नहीं, होगा, यानी यहां पे क्या हो गया, हाई प्रेशर, पूरे के पूरे ओशन में क्या हो गया, हाई प्रेशर हुआ यहां पे, और यहां पे क्या है, लो प्रेशर। अब देखिए यहां पर हाई प्रेशर है और उसको कहीं पर लो प्रेशर ट्रफ दिख रहा है, यहां पे जो विंड्स होंगे उसको यहां पे क्या दिख रहा है, या जो एयर होगी उसको यहां पे क्या दिखेगा, लो प्रेशर, यहां की तरफ अट्रैक्ट होगी कि नहीं, होगी। तो देखिए
ऐसे आएगी, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी, ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक। लेकिन ये जैसे ही इसको क्रॉस करेगी तो बताइए कोरियोलिस फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? कोरियोलिस फोर्स नॉर्थवर्ड साइड में विंड को किस तरफ रिफ्लेक्ट करता है? राइटवर्ड करता है। किस तरफ करता है? राइटवर्ड। जो लोग नहीं थे क्लाइमेटोलॉजी में वो जान लें इतनी सी बात खाली कि कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, एक तरह का फोर्स है जो जब नॉर्थवर्ड साइड विंड चलती है तो राइटवर्ड डिफ्लेक्ट कर देता है विंड को, और जब सदर्न हेमिस्फीयर में चलती है तो किधर का डिफ्लेक्ट करता है? लेफ्टवर्ड। तो यहां पे विंड अगर इक्वेटर को क्रॉस कर गई तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? होगा, होगा कि नहीं? अब ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स। अब आई बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स। अब देखिए चूंकि यहां पे पेनिनसुलर इंडिया है और यहां पे आपके वेस्टर्न घाट है, यहां पे ईस्टर्न घाट है, तो होता क्या है कि जो विंड है, ये जो विंड आ रही है, ये विंड दो में बाइफरकेट कर जाती है। कितने में? दो ब्रांच में। एक ब्रांच है आपकी अरेबियन सी ब्रांच, और यहीं से एक ब्रांच कौन सी है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। तो ये हो गई अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है। और ये हो गई बे ऑफ बंगाल ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे क्या है, वेस्टर्न घाट से यहां पे क्या है? पूर्वांचल हिल्स है कि नहीं? तो जैसे ही विंड यहां आएगी, यहां पे क्या काम करेगा? ओरोग्राफिक इफेक्ट। क्या काम करेगा? ओरोग्राफिक इफेक्ट, यानी पर्वतीय प्रभाव जो है वो काम करेगा, और हवा इस स्लोप के अकॉर्डिंग क्या होगी? ऊपर असेंड करेगी और क्या करेगी? बारिश। कहां करेगी? कहां पर? वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड। ये बात ध्यान देने वाली है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड क्या हो जाएगा? लीवर्ड साइड है, यानी वहां पे क्या हो रहा है? एयर क्या होगी? नीचे आएगी। नीचे आएगी यानी क्या होगा? एडियाबेटिक कूलिंग की हीटिंग, एडियाबेटिक हीटिंग होगी। क्या होगी? एडियाबेटिक हीटिंग। तो लीवर्ड साइड नहीं, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड बारिश होगी, ठीक। आई बात समझ में? दूसरी तरफ अगर आप यहां देखिए यहां पे, तो यहां पे भी क्या हो रहा है? यहां पे हिल्स है तो यहां पे भी ओरोग्राफिक इफेक्ट काम करेगा, करेगा। एयर इस स्लोप के अकॉर्डिंग ऊपर उठेगी और बारिश कराएगी, यहां पे करेगी कि नहीं? तो सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? चेरापूंजी और मौसम, ये कहां है ना? यहीं पर है। और कुछ बारिश वेस्टर्न घाट से भी इसी के लगभग बराबर यहां पे भी होती है, ठीक है ना। तो समझ में आया कि ये क्या हुआ, आईटीसीजेड ऊपर गया, लो प्रेशर ट्रफ ऊपर गया, और यहां से जो हाई प्रेशर था वहां से विंड अट्रैक्ट होगी कहां? लो प्रेशर ट्रफ की ओर, और इधर आएगी, फिर उसके बाद इक्वेटर क्रॉस करेगी, कोरियोलिस फोर्स अपना रोल प्ले करेगा, और ये विंड किधर जाएगी? फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही कहां से आ रही है? साउथ वेस्ट साइड से आ रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स। और ये बारिश कराएगी कहां? ठीक है। और क्योंकि यहां पर पेनिनसुलर इंडिया है तो यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है ना, ब्रांच बाइफरकेट हो गए, एक ब्रांच इधर चली गई, ठीक है। आई समझ में बात आ गई, बना लीजिए।